नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। बच्चों अभी बात किया जाए रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, और इसमें आपकी जो वैकेंसी पिछले 2022 में ही जनवरी में आ गई थी, उसका पेपर आज तक, उसका एग्जाम डेट आज तक निकलने का नाम नहीं ले रहा है। आ रहा है तो बस एक ऐसी नोटिस आ रही है कि ऐसी संस्थाओं को रिक्रूट किया जाए जो इसके पेपर कंडक्ट करा सके, ऐसी एजेंसीज को लिया जाए जो पेपर कंडक्ट करा सके। इन शॉर्ट ये ऐसी एजेंसी ही नहीं मिल पा रही है जो इन्हें रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का पेपर कंडक्ट करा पाए। ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं ये तो मुझे नहीं समझ में आती। अभी आप देखोगे उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग के 120 पद जो कमसाला कर्मचारी के थे, और इसमें बात किया जाए सहायक परिचालक के 1374 पद एवं प्रधान परिचालक के 936 पद पे, इस पे फिर से टेंडर मांगा गया है। और अगर टेंडर की बात किया जाए, ये तो हम सुनते आ रहे हैं पिछले 8 महीने से कि भाई ये केवल क्या कर रहे हैं, ये केवल और केवल टेंडर की ही बात कर रहे हैं। तो कब तक ये टेंडर, अगर देखा जाए कब ये टेंडर जाके फाइनल होगा, कब ये वैकेंसी जाके क्लियर होगी। अभी इनके हिसाब से देखें तो 31/5/2023 तक एजेंसियां अपना क्या कर सकती हैं, वहां पे निविदाएं प्रस्तुत कर सकती हैं, और इसके बाद फिर ये एजेंसी को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर ये पेपर बनेगा। क्योंकि इस बार क्या है ये मैं आपको बता दूं कि रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का पेपर भी वो एजेंसी बनाएगी, अपने क्वेश्चन बैंक से बनाएगी। मतलब कि ये ना तो अभी तक पेपर बना है ना, पहली बात तो एजेंसी नहीं डिसाइड हुई है, एजेंसी नहीं डिसाइड हुई है तो पेपर नहीं बना है, पेपर नहीं बना है तो फिर कोई नया एग्जाम डेट ही कैसे आ जाए। और सेम हाल यहाँ पे तो मान के चलो कि फॉर्म लेके कर रखे हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती जो सुनने में 2 साल से आ रही है, 35,000 पद आ रहे हैं, ये आ रहे हैं वो केवल पेपरों में, या फिर केवल हमारे मन को संतुलित रखने के लिए। कितना संतुलित रह जाएगा भाई, अगर मन संतुलित रख लेंगे तो हमारे उम्र का कौन कर लेगा, जो हमारे साथी जो ओवर एज हो रहे हैं, इस इंतजार में कि भर्ती आएगी। हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर करके भूल जा रहा है बच्चा, बार बार वही चीज पढ़ रहा है, अगर कितना पढ़ लेगा, कितना धैर्य कर लेगा। हमेशा से कहा गया है कि कीप पेशेंस, पेशेंस पेज पेज, तो फिर अभी वो धैर्य क्यों नहीं यहाँ पे काम आ रहा है, कितना धैर्य रख लेगा, ओवर एज हो जाएगा तो क्या। मैं क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप इस चीज को कि जो अभ्यर्थी है उसके जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। यहाँ पे जो छात्र वर्ग है वो क्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो क्या वो पाप कर रहा है, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल उचित नहीं है। अगर मेरी आवाज यहाँ तक आप लोगों तक पहुँच पा रही हो, मैं सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, यही नहीं मैं सारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोर्डों से ये अपील कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से बच्चों की, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लगातार 1 साल पहले उसका नोटिफिकेशन निकाल दिए, उसके बाद भी एग्जाम डेट उनकी एजेंसी नहीं क्लियर पा रही है। ये पॉलिसीज पहले से क्यों नहीं बना के रखते हैं, ये एजेंसी पहले से क्यों नहीं करके रखते हैं, आखिर हर एग्जाम में इनकी एजेंसियां क्यों बदल जाती हैं, मुझे तो ये बात क्लियरली समझ में नहीं आती है। हालांकि अगर मेरा जाना हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, तो सारे जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में उठ रहे हैं इसका उत्तर भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और हमेशा से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो टीम परीक्षा प्लस का प्रयास रहा है, चाहे वो यूपीएसआई एएसआई भर्ती के लिए रहा हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, या फिर रेडियो ऑपरेटर के लिए, जो हम आपके लिए यहाँ पर पुलिस भर्ती बोर्ड का कई बार चक्कर काटे, एक बार फिर सही जाना होगा तो सही, लेकिन जाएंगे आपके सपोर्ट के साथ जाएंगे। लेकिन ये तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि अभी 31 मई तक, मतलब मई भी गया, उसके बाद फिर जून, जुलाई, अगस्त, मैं आपसे क्लियरली बोलूं तो सितंबर, अक्टूबर तक पेपर के तो आसार मुझे दिख ही नहीं रहे। तो आखिर ये निराशा आखिर हम लोग कब तक झेलेंगे। आप भी आपके जो मन में विचार हो वो कमेंट में जरूर प्रस्तुत करो, बाकी मेरा तो मन बहुत निराश है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।